हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं पंचमंडी ब्लॉग चैनल। मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज मैं निकल रहा हूँ सिर्फ हरिद्वार की राइड पर। तो आप चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हम सीधा अपने घर से निकल रहे हैं हरिद्वार मेन रोड की तरफ। तो हम पहुँच चुके हैं मेन रोड पर। तो दोस्तों, आगे चल कर देखते हैं रास्ते में कैसा है। तो आज अगर मैं हरिद्वार जा रहा हूँ तो मुझे पता है कि रास्ते में बहुत ज़्यादा जाम मिलने वाला है। दोस्तों, वही हुआ मेरे साथ कि रास्ते में बहुत जाम था। हरिद्वार पहुँचने में दो घंटे से कम ही लगे दोस्तों। वैसे मैं हरिद्वार 20 से 25 मिनट पहुँच जाता था, और आज मुझे पहुँचने में पूरा 1.5 घंटा हरिद्वार पहुँचने में लगा था। तो मुझे हरिद्वार में काम है, तो मैं सीधा हरिद्वार की राइड पर जा रहा हूँ आज। दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर दोस्तों, जब भी आप राइड करते हैं तो प्लीज़ पूरी सेफ्टी के साथ राइड करें। हेलमेट ज़रूर लगा के रखें, इससे आपकी सेफ्टी बनी रहेगी। और रोड पर अगर चलाते हैं बाइक तो प्लीज़ ज़्यादा सेफ्टी बना कर रखें, और हमेशा गाड़ी की डिस्टेंस बना के रखें ताकि आपकी सेफ्टी बनी रहे। तो हम अपनी राइड को पूरा करते हुए यहाँ से निकलते हैं, और हमारा कैमरे का एंगल जो था वो पूरा खराब होता था, वीडियो को बहुत ज़्यादा खराब करना पड़ा है। जाम काफ़ी ज़्यादा था, मैं दिखा नहीं सकता था कैमरे में क्योंकि जाम की वीडियो कोई देखना नहीं चाहता। तो मैंने काफ़ी वीडियो की क्लिप काट काट के निकाली है। तो मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पर नेपाली फार्म पर। यहाँ से सीधा मैं अपनी राइड को थोड़ा अच्छे से कर पाया था क्योंकि थोड़ा सा मुझे रोड खाली मिला था। दोस्तों, जो आप कैमरे को साउंड सुन पा रहे होंगे वीडियो में, जो बाइक को साउंड आ रही है, एयर की बहुत ज़्यादा साउंड आ रही होगी, तो माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मेरा माइक छोटा हुआ लगा हुआ था। दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा।
जाऊंगा। देखो यहाँ पर पूरा जाम लगा हुआ है रायवाला में, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। मैंने यहाँ से क्लिप काट दी है, मैं सीधा रायवाला में क्रॉस कर चुका हूँ। और यहाँ कैमरे का एंगल जो पूरा सामने होना चाहिए, यहाँ बोला पहुँचता है कैमरे का एंगल, आप देख पा रहे हैं कैमरे में वीडियो में। तो दोस्तों बस में वीडियो इसलिए थोड़ी थोड़ी क्लिप मैंने निकाली है इसमें से, जो अच्छी अच्छी हैं। वीडियो का गैप जो डालने का जो गैप था वो लंबा हो चुका है, तो एक से कोई वीडियो नहीं डाल पा रहा था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस वीडियो को डाल दूँ। जो फ्लाई ओवर है मुझे ऊपर जा चुके हैं, फ्लाई ओवर के ऊपर भी दोस्तों जाम था, क्या बताऊँ भाई। जाम तो इस समय ऐसा चल रहा है कि आप अगर किसी बस आ रहे हैं हरिद्वार से बस पहुँच के, आपको आपके पास कार है तो मान लो 3-4 घंटे तो पक्का लगने ही लगे। तो आप जो साउंड सुन पा रहे होंगे बाइक का बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा एयर की आवाज़ आ रही होगी, माफ़ी चाहता हूँ। देखो मैं पहुँच आ रहा हूँ हरिद्वार, तो यहाँ बहुत ज़्यादा जाम था। मैंने वीडियो चेक करी और निकला मैं सीधा, वीडियो को बहुत ज़्यादा कट किया है तब जाके इतनी वीडियो निकली है। अब हम कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं हर की पौड़ी पे, तो वहाँ का थोड़ा सा सीन देखेंगे और सीधा निकलेंगे हम अपने हरिद्वार के लिए। मुझे थोड़ा हरिद्वार से आगे जाना था, शायद अगर आप इसी से हरिद्वार के रहने वाले तो आपको सुना ही होगा, भादरावाद उधर की तरफ गया था। ये देखिए आप थोड़ा सा सीन यहाँ पे हर की पौड़ी का देख सकते हैं। मैं जितना कैमरे का एंगल घुमा सकता था मैंने उतना घुमाया था। ये शायद किसी के हरिद्वार वालों को पुल पता ही होगा कहाँ पर है, घर की पौड़ी पर ये पुल पड़ता है। तो दोस्तों इस समय मेरी आवाज़ शायद ठीक ना आ रही हो, क्योंकि मेरा गला पूरा ख़राब हो चुका है। इस समय मेरे गले में हो रखा है इन्फेक्शन, शायद ठंडा पानी पीने से हुआ है। यहाँ पर थोड़ा हमने गाड़ी को भगाया था, यहाँ थोड़ा रोड खाली दिख रहा था। देखिए कैमरे का एंगल बार बार ख़राब हो रहा है, क्योंकि मुझे कुछ शो नहीं हो रहा था कि मेरा कैमरा कैसा है, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था मैंने कैमरे का एंगल कहाँ पर रखा है। और जो हवा लगती है ना उससे मेरा कैमरे का एंगल पूरा बिगड़ गया था। और एक दिन और जो मेरे पास हेलमेट है वो थोड़ा लूज था, तो गाड़ी थोड़ा ज़्यादा तो खराब हो गया, तो जो हेलमेट का हवा लगती है उससे थोड़ा सा कैमरा नीचे हो रहा था। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा कैमरे का अंदर खराब हो गया है, मुझे वीडियो देखने के बाद पता लग रहा है। तो दोस्तों को मेरे पास अभी कोई कैमरा नहीं है, मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ अपने फ़ोन से शूट करता हूँ। आने वाले समय में अगर आपको सपोर्ट रहा तो मेरे पास कैमरा भी आ जाएगा। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद एक वीडियो बनती है, तो बस जहाँ मैं जाना था कुछ ही देर में मैंने वीडियो को इतना स्केप किया है। यहाँ से लगभग मुझे आधा घंटा लगा था पहुँचने में, आधा पौन घंटा तब जाकर मैं पहुँचा था दोस्तों। तो मैंने वीडियो को स्केप किया है बहुत ज़्यादा, जब हम भादरावाद तक पहुँच चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहना, बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आप देख सकें आने वाली हर अपडेट को। तो दोस्तों अभी मैंने चैनल स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करना। और मुझे इतना आइडिया नहीं है बाइक चलाने का, तो हल्के हल्के आइडिया हो जाएगा। मुझे राइडिंग करना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने राइडिंग का चैनल लिया है। तो दोस्तों मैं फिर एक बार माफ़ी चाहता हूँ कि जो कैमरे का एंगल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे पता है आप लोग
एक कर सकते हैं, कोई बात नहीं, पर आने वाले समय में एक अच्छा अच्छा कंटेंट बना निकाल के लाऊंगा आपके लिए। मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है एक वीडियो देखते हुए, क्योंकि कैमरे का एंगल पूरा ख़राब है। तो दोस्तों बस मेरा रीज़न यही था, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई थी, तो मैं वीडियो डालने के लिए वीडियो डाल रहा हूँ। बस जहाँ मुझे जाना था मैं पहुँच चुका हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं।